नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। भारत में आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सपा ने बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया और सड़क पर उतर कर हाथों में कटोरा लेकर भीख मांगी और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो रोजगार ना दे सके। सपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा सरकार किसी को रोजगार नहीं दे सकती, हम प्रधानमंत्री के जन्मदिन को विरोध कर बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। सपा के छात्र सभी जिले के अध्यक्ष नंदिशोर नंद कहे, ऐसी सरकार किस काम की जो युवाओं को रोजगार ना दे सके। सपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतर कर बेरोजगार के खिलाफ नारेबाजी की और मांग की। खास रिपोर्ट रोजी किसान। नंदेश्वर जी, आज आप लोग भीख मांगकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं नंदेश्वर नंद यादव, निवर्तमान जिला अध्यक्ष समाजवादी छात्रवाद जनपद बहराई। इस समय उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार, भाजपा सरकार ने पूरी तरह से रोजगार खत्म कर दिया है और योगी जी ने जिस तरह से संविदा प्रथा ला करके सरकारी नौकरियों को खत्म करने का काम किया है, इससे निश्चित रूप से पूरे देश का नौजवान और पूरे उत्तर प्रदेश का नौजवान पूरी तरह से अपने आप को ठगाता महसूस कर रहा है और नौजवान आज बेरोजगारी की मार झेल रहा है। इसलिए हम लोगों ने ये भीख मांग करके एक विरोध दर्ज कराया है कि कम से कम जो पढ़े लिखे नौजवान है जिनको बेरोजगार कर दिया गया है उसको ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार होश में आवे और उसको रोजगार दे, वरना ये हम लोग अभी तो हम लोग भीख मांग करके केवल प्रदर्शन कर रहे हैं, वरना ये प्रदर्शन इतना बड़ा प्रदर्शन होगा कि पूरे हिंदुस्तान में एक दूसरा जैसी आंदोलन खड़ा करने का काम हम नौजवान करेंगे।